बाप रे, नया आईफोन लॉन्च होते ही रमेश ने खरीद लिया और मैं यहाँ एक छोटी सी कंपनी के लिए काम करता हूँ। अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं। जब हम दूसरे की महंगी मोबाइल, कपड़े, घर, कार देखते हैं तो हमें लगता है कि वे बहुत अमीर है या बहुत पैसे वाले हैं, और तभी हमारे मन में सेल्फ डाउट आता है कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इतने महंगे मोबाइल, कपड़े, घर, कार खरीदने वाले हर एक असल में अमीर नहीं है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? शायद नहीं। इसीलिए आज मैं पैसे और अमीर होने के बारे में आपकी कुछ गलत फहमियों को बदलने के लिए ऑथर मॉर्गन हाउजल की लिखी गई बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ स्मार्ट आइडियाज शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस बुक यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की ऑडियो समरी अपने रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो आप कुकू FM, जो कि एक मेड इन इंडिया ऐप है, इसकी मदद से सुन सकते हैं। कुकू FM ऐप में आपको नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी मिलेगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो भी हर रोज 1 रुपी से भी कम खर्चा करके। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और SFLP50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन जल्दी कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। प्ले स्टोर पे +4.5 स्टार रेटिंग के साथ कुकू FM अभी इंडिया की लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गई है। तो अभी कुकू FM ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट एंड मनी तीनों ही सेव कीजिए। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। जैसा कि आप पिछली कहानी में देख सकते हैं, रमेश के महंगे मोबाइल को देखकर ऐसा लगता है कि वे बहुत अमीर है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? हो सकता है कि रमेश ने EMI पर या लोन लेकर मोबाइल खरीदा हो, या फिर उसने अपने कमाई हुई सभी पैसों को खर्च करके इसे खरीदा हो। रमेश भले ही अपने आप को अमीर महसूस करे, लेकिन महंगा मोबाइल खरीद के वह अमीर नहीं बल्कि गरीब बन गया, क्योंकि या तो वह लोन या EMI में फंस गया, या फिर उसके पास कुछ सेविंग्स नहीं बचा होगा, क्योंकि उसने सारा पैसा इसी में खर्च कर दिया। ऑथर का कहना है कि अमीर बनने के लिए आज आपको सोच समझकर खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आप फ्यूचर में अपने जिंदगी में दूसरे ऑप्शंस को बढ़ा सके। आप कितना भी पैसा कमा ले, अगर आप अपने स्पेंडिंग हैबिट को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, गेटिंग वेल्दी एंड गेटिंग रिच इज डिफरेंट। रोनाल्ड रीड का जन्म 23 अक्टूबर 1921 को USA के डमस्टन गाँव में हुआ था। वे अपने परिवार के पहले कॉलेज ग्रेजुएट थे। फिर नेशनल आर्मी में 5 साल सर्विस देने के बाद उन्हें एक गैस स्टेशन पर परमानेंट जॉब मिल गई, जहां उन्होंने 25 साल तक काम किया। वहां से रिटायर होने के बाद उन्होंने 17 साल तक एक लोकल रिटेलर स्टोर में स्टोर क्लीनर का काम किया। फिर जब 2 जून 2014 को उनकी मृत्यु हुई तो उनकी पूरी संपत्ति $8 मिलियन हो गई, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 60 करोड़ है। जिंदगी भर बहुत ही साधारण काम करने के बावजूद वे इतने पैसे के मालिक कैसे हो गए? सामान्य जीवन जी के और रेगुलरली कई सारी कंपनियों के शेयर में अपना पैसा इन्वेस्ट करके। तो स्वाभाविक रूप से इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि अमीर होने और अमीर महसूस करने में बहुत बड़ा फर्क है। आप सोच सकते हैं कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसलिए अमीर दिखने के लिए आपको महंगी चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन असल में आप लोगों से सम्मान और तारीफ पाना चाहते हैं। लेकिन आप जो भूल रहे हैं वो ये है कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करके भी वो हासिल कर सकते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, नथिंग इज फ्री इन लाइफ। जिंदगी का एक कड़वा सच ये है कि हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, चाहे खुशी हो या मस्ती। इन सभी चीजों में हमारा समय और मेहनत खर्च होता है। मुफ्त में अमीर बनना पॉसिबल नहीं है। फालतू चीज़ों पर पैसा खर्च करने से बचना, महंगे सामान ना खरीदने के लिए खर्चे पर कंट्रोल रखने की इच्छा शक्ति रखना। जब हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी के स्टॉक इंडेक्स में उतार चढ़ाव के लिए खुद को मेंटली मजबूत और शांत रखना, ये सब कुछ करना पड़ता है। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, एवरीथिंग डेवलप्स इन कंपाउंडिंग। जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा, कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है।
जिंदगी के किसी भी फील्ड में बढ़ोतरी या गिरावट कंपाउंडिंग के नियम अनुसार होता है, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या फिर हेल्थ। हम जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वे भी कंपाउंडिंग के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। और पैसे को बढ़ाने के लिए हमें जो चाहिए वो है पेशेंस। इसीलिए हेल्दी इन्वेस्टमेंट उसी को कहते हैं जहां आप पैसा इन्वेस्ट करने के बाद इसके बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि उसे पेशेंस के साथ कंपाउंडिंग के हिसाब से बढ़ने देते हैं। स्मार्ट आइडिया नंबर 5, गेट वेल्दी टू गेट कंट्रोल ओवर योर टाइम। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? पैसा होने से हमें असल में क्या मिलता है? कई लोग कह सकते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो आप ये खरीद सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, लेकिन असल में पैसा होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम अपने ज़िंदगी और अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं, और उस कंट्रोल से हम अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजली आगे बढ़ सकते हैं। इस बुक में ऑथर मॉर्गन हाउजल हमें ठीक यही सलाह देते हैं, अर्न मनी टू गेट वेल्दी टू गेट कंट्रोल ओवर योर टाइम। स्मार्ट आइडिया नंबर 6, यू हैव टू डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ मनी यू नीड। आइए एक सवाल के बारे में सोचते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि जब हम खा रहे हैं तो हमारा पेट भर गया है, हमें और खाने की ज़रूरत नहीं है? इसे समझने के 2 तरीके हैं। एक तो खाते वक्त हमें हमारे पेट की ओर ध्यान देने से पता चल पाता है, और डकार आना जिससे हमें पता चलता है कि हमारा पेट भर गया है। या दूसरा तरीका ये है कि जब तक उल्टी ना हो जाए तब तक खाते रहना। हम इन दोनों तरीकों में से पहले को ही आजमाते हैं। ठीक वैसे ही जिंदगी में आपको कितने पैसों की ज़रूरत है इसका हिसाब रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे की लालच में अपने परिवार, सेहत और रिश्तों को इग्नोर करके आप कब लालची राक्षस बन जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरों के पास कितना पैसा है खुद से उनकी तुलना किए बिना एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सकेंगे? ऑथर हमें इस बुक में इसे डिसाइड करने के लिए एक आसान तरीके के बारे में बताया है। क्या आप पैसे कमाने के लिए जो फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं वे आपको रात में चैन से सोने देगा? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिना किसी दबाव के पैसे कमाने और सुकून से जीने में सक्षम होंगे। तो आइए इस वीडियो से हमें मिले स्मार्ट आइडियाज को समअप करते हैं। नंबर 1, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। नंबर 2, गेटिंग वेल्दी एंड गेटिंग रिच इज डिफरेंट। नंबर 3, नथिंग इज फ्री इन लाइफ। नंबर 4, एवरीथिंग डेवलप्स इन कंपाउंडिंग। नंबर 5, गेट वेल्दी टू गेट कंट्रोल ओवर योर टाइम। एंड नंबर 6, यू हैव टू डिसाइड व्हाट अमाउंट ऑफ मनी यू नीड। अगर आप इस बुक से कुछ और स्मार्ट आइडियाज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस बुक को खरीद सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके काम आया तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी मदद कीजिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोर विजडम, मोर सॉल्यूशन, बेटर लाइफ।